सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। सामने देखिए साफ सुथरी भैंसे बहुत सारी खड़ी हैं। बात करेंगे, पूछेंगे इनके बारे में, डिटेल से जानकारी लेंगे। बताना चाहूँगा, ये वीडियो हम लेके आ रहे हैं पाबड़ा गांव से। पाबड़ा जो गांव है वो बरवाड़ा से थोड़ी दूरी पे है और हिसार ज़िले में ये गांव पड़ता है। हिसार में ही है ना भाई साहब? तो हिसार में ये गांव पड़ता है। भाई साहब का सेल परचेज का काम है, पूछेंगे इन भैंसों के बारे में, बात करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब ये बताइए कितनी भैंसे आज खड़ी हैं, बिकी हुई हैं, बिकने वाली हैं? ये 9 भैंसे हैं और एक बुल है, सभी बिकी हुई है जी। सब बिकी हुई है। कहाँ जा रही हैं जी बिक के? ये गोरखपुर जिला यूपी में जा रही है। यूपी में? हाँ। तो अपने ये नए ग्राहक हैं भाई साहब या पुराने ग्राहक हैं? नए ग्राहक हैं। ठीक है ठीक है। तो किधर से दिखाना शुरू करोगे जी? खोल लो इसको, एक नंबर पे देखिए, बताओ भाई साहब इसके बारे में, कौन से ब्यांत की है, कितने दूध? ब्यांत की छोटी है। अच्छा, 16 लीटर दूध तैयार है, 6 दिन का बच्चा दिया। 6 दिन का बच्चा, 16 लीटर दूध तैयार है। कितने की बेची है जी ये? भाव तो देखो, इनका बिक्री का काम है जी। अच्छा, बिक्री का काम है, बेचनी है उधर जाके? इनको बेचना है। ठीक है, तो लगभग आइडिया ये बता दो, इस पूरे जो लोड में है ना, किस कीमत से किस कीमत के बीच की भैंसे हैं? 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की। 1 लाख से 1.5 लाख के बीच की भैंसे हैं। देखिए साफ सुथरी जोटी, बिल्कुल शानदार, और 16 किलो दूध भाई साहब बता रहे हैं। ले आओ जी ताऊ जी। तो 16 किलो दूध बता रहे हैं और आप खुद देखिए, बिल्कुल काले रंग की। बरवाड़ा का जो ये एरिया है, लंबी ऊंची साफ सुथरी भैंसों के लिए जाना जाता है। बहुत सारी जो चैंपियन भैंसे हैं वो ब्यूटी चैंपियन वो इस एरिए से निकली हैं। जो टीवी देखिए, बिल्कुल शांत और शरीफ, कोई टाइम नहीं लगा हुआ किसी भैंस को, कोई थनों पे नहीं आई हुई है, बिल्कुल साफ सुथरी जो है। दूध निकाल के फिर ले आई सभी। अभी शायद 4 बजे होंगे। हाँ, 4 बजे। तो 4 घंटे तो अभी दूध निकालने में बाकी है। हाँ। 2 नंबर वाली बताओ कितने दूध वाली है? इसके अंदर 11 लीटर दूध तैयार है। हाँ हाँ। और 3 दिन का बच्चा है। 3 दिन का बच्चा है, 11 लीटर दूध तैयार है। वैसे अगर रेट वीडियो में बताया जाता तो जो लेने वाले भाई हैं वो आइडिया उनको हो जाता कि किस कीमत की ये भैंसे हैं और किस तरह की जो है बेच रहे हैं भाई साहब, जा रही हैं जो आगे। हाँ, बिक्री का काम है, नहीं तो रेट बताने का ही मैं कहूँगा। वीडियो बनवाने का जो औचित्य है वो रेट के साथ ही है, ताकि जो और भी भाई लेने वाले हैं वो बात कर सकें। बाकी वीडियो में भाई साहब का कॉन्टैक्ट नंबर चल रहा है, आप भैंसों के बारे में इनसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थोड़ी सी जो है नालियां वगैरह हैं, इस कारण से झटके से मार के चल रही है। जो टीए बताओ जी, 3 नंबर वाली, आ जाओ आगे। ये भी दूसरे ब्यांत की, सुरेंद्र दूसरे ब्यांत की है। अभी 11-12 बजे खीस से खाली किया इसको। ठीक है, कितना दूध दे देगी भाई साहब? दे देगी 17-18 लीटर। 17-18, ये कितने की बेची है? पर वो अच्छा। हाँ। वो रेट वाली बात आ गई, वो आदत हो रही है मेरे को पूछने की। खोल लो इसको इधर। तो ये देखिए खीस से खाली होके 17-18 लीटर दूध निकाल देगी। कलर देखिए, सारी की सारी वैसे जो हैं बहुत बढ़िया कलर है। ये इसका रीज़न है, यहीं घुमा दो जी। इसका रीज़न ये है कि वैसे तालाब में जाती हैं, इधर हर गांव में तालाब हैं और तालाबों में पानी की व्यवस्था जो है इस एरिया में काफ़ी बढ़िया है। हरियाणा का जो नरवाना है, बरवाड़ा जो एरिया है, ये ऐसे 2 एरिया आज बचे हुए हैं जहाँ पे आज भी ज़्यादा भैंसे जमींदार रखते हैं। बाकी लगभग एक एक भैंस पे ही सब लोग जो हैं आ चुके हैं। ये बताओ आगे वाली, ये तीसरे ब्यांत की है सुरेंद्र? तीसरे ब्यांत की ब्याई हुई है। हाँ, ब्याई हुई है। तो कितना दूध दे रही है जी अभी? एक तीसरे दिन की ब्याई है, 12 लीटर दूध है इसमें। अच्छा, दे देगी 16-17 जब? बिल्कुल आराम से। तो ये देखिए एक और साफ सुथरी भैंस, दोबारा से मैं भाई से रेट की बात, बस मुँह में आ ही चुकी थी ये बात कि रेट कितने की दी है, लेकिन फिर वही बात आ गई कि रेट भाई साहब का बिक्री का काम है। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच की ये वैसे हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी मीडियम कद, जो कि मुर्रा का सही कद माना गया है, मीडियम कद की है और बढ़िया छोटे पैरों की। ऐसी वैसों को ही बहुत सारे हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो पसंद करते थे पहले भी, आज भी बहुत लोग करते हैं, लेकिन कंपटीशन वगैरह में जो जाते हैं वो भाई बड़ी वैसों को पसंद करते हैं। ये बताओ, ये 8 दिन की ब्याई सुरेंद्र भाई? हाँ हाँ। 14 लीटर दूध तैयार है इसमें। 8 दिन की ब्याई 14 लीटर। हाँ। ठीक है, दूसरे ब्यांत की? हाँ, दूसरे ब्यांत की। दूसरे ब्यांत की देखिए साफ सुथरी ये भी जोटी, कोई भी भैंस को टाइम नहीं लगा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं ये चीज। नहीं, ये तो आज गाड़ी लोड करनी थी इनकी, कोई 10 बजे का दूध निकला हुआ है किसी का, आज ही आई है ना सभी ये। ठीक है ठीक है ठीक है।
ये इधर वाली खोल लो, आप खोल लो। लंबा वीडियो काफी हो जाएगा क्योंकि जो है इसमें 16 लीटर दूध तैयार है। 16 लीटर तैयार है, ठीक है। दूसरे में आपकी है? हाँ हाँ, ले चलो। 16 लीटर दूध तैयार है, दूसरा में आप देखिए साफ सुथरी देखिए कितनी है। वैसे मैं रेट तो चलो भाई साहब ने बता दिया, 1 से 1.5 के बीच की हैं। थोड़ा इसके बच्चे ने मुंह लगा दिया था इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है ठीक है। वैसे कलर बहुत अच्छा है सभी भैंसों का, बिल्कुल काले रंग की हैं। ये आगे वाली जोटी भाई साहब कौन सी बार की है? पहले बार की है। 2 दांत 10 लीटर दूध पहला ब्यांत देखिए, साफ सुथरी कटड़ी है ये भी। और गोरख कहाँ जाएंगी? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जाएंगी, बिक्री का काम है उधर जाके भाइयों का। साफ सुथरी वैसे। एक और जोटी, ये कौन से ब्यात की है? ये दूसरे ब्यात की है। दूसरे ब्यात की। इसमें कितना दूध है? 11 लीटर दूध है इसका। 5 दिन का बच्चा इसका। 5 दिन का बच्चा 11 लीटर दूध है, ठीक है। बंदी रहने दो, ये आगे बड़ी बताओ। ये 2 दांत है फर्स्ट टाइम है। ये भी 2 दांत है। इसमें 12 लीटर दूध अभी तैयार है मौके पर। इसमें भी 12 लीटर दूध है। ये कटड़ा खोल लो। ये कितने दूध वाली भैंस का कटड़ा दिया है भाई साहब? ये 17 लीटर वाली भैंस का कटड़ा है। 17 वाली का कटड़ा है। कितने का भी ये बेचा, इसका रेट बताओ जरूर। ये 73,500 रुपए का। 73,500 रुपए का बेचा है 17 लीटर दूध कटड़े की माँ ने दिया। दूध के दांतों में बिल्कुल छोटे सिंह का। गोरखपुर बनारस ये वो एरिए हैं जहाँ पे बिल्कुल छोटे सिंह की भैंसों को ही पसंद किया जाता है। बड़े सिंह की भैंसे गोरखपुर और बनारस का जो एरिया है वहाँ के व्यापारी कभी नहीं लेते थे, ना आज कोई ऐसा व्यापारी हमने देखा है जो पहले भी बड़े सिंह की भैंस लेता हो। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और शरीर पीत रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भाई गोरखपुर से आए हैं उनसे भी मैं बात करवाता हूँ आपकी। बाहर आ जाओ जी सारे आदमी, बाहर थोड़ा सा जो कलर है वो सही रहेगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर अपना? हरकेश यादव। हरकेश यादव, तो पहली बार आए हो हरियाणा या उससे पहले भी लेके जा चुके? पहले दूसरे जगह से भी लेकर गए हैं वैसे। अच्छा। अब इनके पास भाई साहब के पास भैंस लेने हमने आया, यहाँ का रेट बहुत बढ़िया हमें लगा। अच्छा। भैंस भी बहुत बढ़िया हमें मिली। हाँ हाँ। इसलिए हमने बहुत खुश हैं और भी बार जितना बार ले जाना होगा इन्हीं के पास से भैंस लेकर हम जाएंगे। अच्छा, ये बताओ जी कई बार है ना जैसे बाहर से कोई भाई व्यापारी आ जाते हैं तो 1-2 भैंस लेने के बाद उनके साथ ये हो जाता है जबरदस्ती, जैसे 10 भैंसे इनकी करवानी है, 1-2 भैंस सस्ती दिलवा दी कई डेयरी वालों ने, बाद वाली महंगी करवा दी, ऐसा कोई सिस्टम भाई के यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। इनके यहाँ जो भैंस पसंद आए वो लीजिए खुशी से, वो भी। अच्छा। नहीं, कोई दबाव पसंद हो बस वही लेना, कोई अगर नहीं पसंद है तो उसको कोई जबरदस्ती नहीं आपके साथ में, कोई दबाव बस की मतलब ये कोई बात नहीं ऐसी है इनके पास। अच्छा। जो हमारी पसंद होती थी वो भैंस हम लेंगे। ठीक है। कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हमें आए हुए आज 4th दिन। तो कितने टाइम दूध देखा है भैंसों का? भैंसों का सुबह टाइम में, सुबह पाँच और शाम को 5:30 बजे तक, वही 4 बजे से शुरू। 2 टाइम सब भैंसों का दूध देखा है? सब भैंसों का दूध 2 टाइम। तो कोई रहने की खाने पीने की किसी तरह की कोई समस्या रही? कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया मिला हमें। कोई समस्या नहीं रही भाई साहब? पहले भी पशुओं का सेल परचेज का काम कर? हाँ, पहले ताऊजी करते हैं 25-26 सालों से। अच्छा। अभी ताऊजी तो बाहर गए हुए थे इसलिए आपने वीडियो बनवा दी। ठीक है ठीक है। तो अभी जैसे बिक्री अपनी लोकल में ही है या बाहर के ग्राहक भी आते हैं? बाहर भी है और लोकल में भी, सभी जगह। तो कोई भाई अगर बाहर से पशुधन लेना चाहे तो आप किस कीमत का पशुधन उपलब्ध करवा दोगे उनको? ये लगभग ये मानो 80,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक का, 2.5 लाख का, वो तो जैसा उनको चाहिए। रूटीन की जो भैंसे हैं जैसे कि हम बात करें 10 लीटर से 16 लीटर के बीच की भैंसे, वो किस रेट में दे दोगे? वही 80 से लेकर 1.5 लाख तक की। 80,000 से लेके 1,50,000 के बीच में 10 लीटर से 16 लीटर की भैंसे मिल जाएगी। जैसे भैंस है 1,30,000 की, 16 लीटर दूध इसका तैयार है। 16 लीटर दूध तैयार है 1,30,000 रुपए के लिए। ठीक है ठीक है। तो भाई साहब मोबाइल नंबर बताना अपना कोई भाई अगर आपसे बात करना चाहे तो। 98134 57 134 और दूसरा नंबर है तो ताऊ जी का है 94-679 17-285। तो भाई साहब आप कहाँ बेचते हो वैसे गोरखपुर में? गोरखपुर में हम मैदावल से जो खलीला नंदौर जो है नारायणपुर बाजार एक है वहाँ पे भी बिक्री करते हैं, अपने घर से भी हम बिक्री। आपका घर कहाँ पे है? हमारा घर शास्त्री नगर वार्ड नंबर 3 से है, महाराजगंज। और गोरखपुर में? गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमारा डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज में है, महाराजगंज के बगल में है। ठीक है ठीक है। तो डेयरी कहाँ कर रखी है आपने?
शास्त्री नगर वार्ड नंबर 3 में। शास्त्री नगर वार्ड नंबर 3 गोरखपुर या महाराजगंज। ठीक है ठीक है ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए साफ सुथरी भैंसे भाई साहब ने उपलब्ध करवाई हैं जो भाई गोरखपुर जा रहे हैं उनको। आप भी इनके यहाँ से अच्छी भैंसे ले सकते हैं। हिसार जिले के पाबड़ा गांव से ये वीडियो लेके आए। जो भी भाई लास्ट तक बने रहे सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबको मेरी तरफ से नमस्कार।